नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नवर्तन मंजूषा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसका जो जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म अप्लाई किया था और उनको जो 12 मंथ तक जो बेरोजगारी भत्ता मिला है और अब जो रेवेन्यू के बाद में जिनका जो फर्स्ट पेमेंट आया है जुलाई का, तो देखिए वो कैसे चेक रहे आपका जो जुलाई का भत्ता आया है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल क्रोम में आपको लिखना है जन सूचना, और जन सूचना का जो पोर्टल है वो आपको इस तरीके का ओपन हो जाएगा। देखिए ये ऑफिशियल वेब पेज है टोटल, और आपको क्या करना है, इस वेब पेज को ऊपर स्कोर करना है, और स्कोर करने के बाद में जो मैं आपको बताऊँ उसके ऊपर आपको जाना है। जैसे जो 32 जो 32 नंबर का जो ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आप चेक कर सकते हैं कि आपका जुलाई का जो भत्ता आया है या नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको देख सकते हैं कि जो सबसे पहले कि आप आपके खुद के आवेदन की जो जानकारी है वो भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो क्षेत्रवार के अकॉर्डिंग भी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए मैं जो क्षेत्रवार के अनुसार मैं यहां पर क्लिक करूंगा, तो देखिए मैंने यहां पर क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद में जो मैं आपको बताऊं उस हिसाब से आपको सबमिट करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो जिला है, फिर पता जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहर क्षेत्र से, उसके बाद में आपकी जो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति, उसके बाद में आपका जो ग्राम पंचायत कौन सा है वो ग्राम पंचायत के बाद में आपको खोजे पर क्लिक करना है। तो देखिए मैं सबसे पहले मैं अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करूँगा, यहाँ पर जो राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो ओपन हो जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले सीकर है अपना जिला वो चॉइस करता हूँ, और उसके बाद में मेरा जो पता है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो मैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र पर क्लिक करूँगा, और ग्रामीण क्षेत्र से क्लिक करने के बाद में मेरी पंचायत समिति कौन सी है, तो देखिए मैं यहाँ पर जो मेरी ग्राम पंचायत है वो यहाँ पर फिल करूँगा। तो आप यहाँ से एक जो आपकी जो ग्राम जो पंचायत समिति है वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से जो अपनी पंचायत समिति है दातारामगढ़, तो ये फिल करूँगा, तो मैं यहाँ पर जो दातारामगढ़ है वो फिल कर दिया। उसके बाद में आपकी जो ग्राम पंचायत कौन सी है तो वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको देखिए बताऊँगा कि आपका जो गाँव है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। यहाँ पर जो जितने जो पंचायत समिति की जितनी भी जो ग्राम पंचायत हैं फ्रेंड्स, वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पर अपना जो ग्राम पंचायत है वो यहाँ से चॉइस करूँगा। तो देखिए जो जिस हिसाब से आपका जो डिटेल्स आपसे पूछी जाए उस हिसाब से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक अपने जो ग्राम पंचायत है फ्रेंड्स वो यहाँ पर फिल करूँगा। अब देखिए जैसे मैं अपने जो ग्राम पंचायत है खाटू, तो वो फिल करूँगा, तो मैंने यहाँ पर खाटू है वो फिल कर दिया है। तो देखिए खाटू फिल करने के बाद में जो खोजे का जो बटन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, और मेरे सामने एक जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। देखिए खाटू जो विलेज है इसमें 315 टोटल जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं वो है, इनमें किन का जो पास हुआ है, और कई जो स्टूडेंट हैं, कई बेरोजगार लोग हैं उनके पास भी नहीं है। तो मैं डिटेल्स पर क्लिक करूँगा, देखिए जो डिटेल्स हैं यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं जो जो गांव है, गांव आ गया है, और गांव के बाद में आपका जो जॉब सीकर जो काउंट है 315 है, वो डिटेल्स पर मैं क्लिक करूँगा, और उसके बाद में पूरे गांव की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो जुलाई का भत्ता है वो आया है या नहीं। तो वो कैसे चेक करें, तो देखिए जो टोटल जो 315 कैंडिडेट हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जुलाई का भत्ता आया है या नहीं आया, तो देखिए मैं एक है वो यहाँ से चॉइस करूँगा कि जो 7 नंबर का जो 8 नंबर का है ये फिल करूँगा, देखूँगा कि मेरा जो आया है या नहीं आया। देखिए ये हैं विनोद कुमारी पूनिया का है, सरदार सिंह पूनिया, ये इनका जो फॉर्म अपलोड हो चुका है, और डिटेल्स पर मैं क्लिक करूँगा। तो आप इस हिसाब से चेक कर सकते हैं। आपको मैं ये भी बता दूँगा फ्रेंड्स कि जो अब देखिए इनका जो पेमेंट है ये जुलाई का, आप देख सकते हैं विनोद कुमारी पूनिया 3500 रुपये मिलते हैं, और इनका जुलाई का भत्ता आ गया है। और ये कब आता है ये आपको मैं और बता देता हूँ कि ये पहले जो 5 से 10 तारीख के बीच में जो बेरोजगारी भत्ता आता था, अब आजकल क्या है 10 तारीख से, और जो 10 तारीख होती है 10 से ये 20 के बीच में बेरोजगारी भत्ता मिलता है। तो इस हिसाब से ये आपको मैं भी ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो 20 तारीख तक आपका जो जुलाई का जो भत्ता है पेमेंट है वो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जुलाई का जो भत्ता आया है या नहीं आया। तो देखिए आप देख सकते हैं इनको 12 किस्त मिल चुकी है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। आप देखिए, लेकिन इसमें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इनका जो जुलाई का भत्ता 1016 का आया है, कई बार क्या होता है कि जो जो इनके पास बजट होता है उस हिसाब से आ जाता है, लेकिन मैं आपको एक बार और जो है एक बार बैग जाके
और बता देता हूँ कि इसमें एक और चेक कर सकते हैं कि इनका, अब देखिए जो अनिता कुमारी 298 पर आप चेक कर सकते हैं कि इनका, बता देख सकते हैं डिटेल्स पर मैं क्लिक करूँगा कि इनका कितने का आया है। कई बार बजट की वजह से भी कमा जाता है, लेकिन लास्ट तक वो जो 3,500 रुपये, वो 3,000 का जो पेमेंट मिलता है उस हिसाब से वो पेमेंट आ जाता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनका भी जो जुलाई का बता 3,500 रुपये आ चुका है। देखिए उनका 1,000 का आया था, और देखिए आप इनका सितंबर का आप देख सकते हैं 117 रुपये ही आया था, और अभी जो जुलाई का 3,500 रुपये, ये दो किस्त एक साथ आ चुकी है। इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जो बजट के अकॉर्डिंग जो पैसे आते हैं इनका, जुलाई का, जून और जुलाई, जो मई, अप्रैल, मार्च, जो भी है टोटल इनका आ चुका है। तो ये यदि अभी, ये आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अभी ये बिल सबमिट हुआ है और आपको ये 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपका अकाउंट में जो पैसा है वो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके सामने सुरक्षित पहुँच सके।